भी नहीं खोल गई हूँ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे है एंड क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से आपका स्वागत है। दिस इज द टाउन, ब्यूटीफुल टाउन। सही, पानी रात को वहाँ था और यहाँ आ गया कैरेंस जहाँ पर हूँ मैं। धीरे धीरे पानी और आगे आएगा। उठी तब जितनी भी धूप थी इतनी अभी छा हो चुकी है। द वाटर माइट बी वेरी वेरी कोल्ड, तो बहुत क्लीन। मैं जा रही हूँ नीचे भाई, यहाँ पर आ चुकी एकदम गैंग गोप्रो इंडिया की एंड बहुत सारे क्रिएटर्स ऑन क्वींसलैंड टूरिज्म। सो अभी नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तैयार हो चुकी हूँ मैं, मस्त बीच वेयर पहन के। आज तो डाइव सेशन है, सम लिटरली एक्साइटेड फॉर दिस। चलता सबसे पहले मेरी कॉफी जो हो रही है रेडी, रेडी ऑलमोस्ट। ये भाई सब आ गए बीच में बेचारे, सॉरी, थैंक यू। ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ है, फ्रूट्स, कुकीज एंड मिल्क, ओट मिल्क, ब्रेड्स, दे हैव एग्स, बेकन जो मैं खाती नहीं हूँ, आई एम वेजिटेरियन, और सैलड्स, पनीर, आई मीन कॉटेज चीज, कॉफ़ी। Good morning everyone, it's a new day in Cairns and the plan for today is that we are heading to the stadium. सब चल के जा रहा है यहाँ से टूवर्ड्स द बोट स्टेशन जहाँ पर जाना है हमें। क्या मस्त लग रहा है, मुझे फिलीपींस की याद आ गई। एवरी डे आई यूज़ टू गो फॉर डाइव इसी तरीके से। Helicopter. So I get you guys to figure out how you want to do that. I got two manifests. One here. I need 6 names on. Oh, fill. सारे लोगों का भी form fill हो रहा है. And then यहाँ से हम लोग निकलेंगे. इतने लोग हैं और I'm wondering कहाँ कहाँ से आ रहे हैं. Guys, I'm sorry. If you have not filled the map before, they're self-explanatory. Diver's name and sign and. यहाँ पर सबका सर्टिफिकेशन हो चुका है। मोस्टली सब ओपन वाटर डाइवर्स हैं, 2-3 लोगों को छोड़ के। Everything else at your table. Now when you walk into the area, we're going to give you the equipment you need. Where we'll swim through to the narrow gap. Oh, it doesn't show it here. Well, that's the gap, and then it goes right out around here and we come back over this side. If I can make it there. So that's an aerial view of where we're going. Great Barrier Reef. Now don't forget, we are diving pretty well as you're not out of here. All right, folks, we're going to be alongside very shortly. Thanks very much for your attention. The tide's on the rise, so it should be coming. We're going to reach here now. Here, we're going to ship. Through the day, the vessel will start to move a bit. So do be careful. Journey is so long. I didn't know. I was not ready for this. All the people are frustrated. Everyone is feeling like warm because 2 hours. We were on the ship and it was very long. I didn't know. I didn't know. I didn't know. पर चलो फाइनली वी रीचिंग एंड मूव टू द अनदर प्लेस। इतने ज़्यादा डाइवर्स एक साथ पहली बार देख रही हूँ मैं। फीलिंग सो गुड, पूरा सेटअप है यहाँ पे, आई मीन कितने सारे लोग हैं। Feeling so good. Life jackets, all equipments, masks.
फोन पे। I'm ready. क्या एक्सपीरियंस रहा है बाइक पर? अभी स्नॉकलिंग, स्कूबा सब कुछ हो चुका है और अभी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर राइड के लिए, जो 10-15 मिनट का हेलीकॉप्टर राइड है समुद्र के ऊपर। बैक हेलीकॉप्टर राइड हो गया, स्कूबा हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया, देयर इज स्लाइड आल्सो, पीपल डूइंग दैट स्लाइड करके नीचे पानी में जा रहा, विच आई स्किप, मुझे लगा कि जा रहे तो नहीं करना है। आज के लिए इतना ही था बहुत। अब यहाँ से वापस हम लोग को निकलना है, 2 घंटा जाना है बोट में बैक टू द होटल वाला जो बीच है और पोर्ट एरिया आई मीन, तो वहाँ पर वापस जाएंगे। हाँ सर, बाय। शो मी योर फेस, मोर टैन और स्टिल? आई थिंक आई एम जस्ट बट लुकिंग रियली सो गुड, मोर हॉट एक्चुअली, सीरियसली इट्स लुक सो हैपनिंग इन द इवनिंग द टाउन क्रेन्स। शाम को इतना ज्यादा यानी इतना क्यूट है ना, लोग वॉक कर रहे हैं, फील्स सो नाइस, छोटा सा टाउन। सो इट्स सी दिस बस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट बस, या सो कूल हैपनिंग, इट्स द अल्टीमेट पार्टी बस, या सिटी टूर जैसा ही है। सिटी हैज सच अ कूल वाइब, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो पूल दिखाई दे रहा है वो पब्लिक पूल है, कैन यू इमेजिन, क्योंकि यहाँ पर ना समुंदर में नहीं नहा सकते, तो इसलिए यहाँ पर पूल बना गया है जो इन्फिनिटी पूल है, यू विल सी दैट, क्योंकि वो लग गया कि समुंदर के साथ कनेक्ट हो रहा है, बट यू कैन वॉक देयर नियर द बीच, बट यू कैन स्विम एंड यू कैन स्विम देयर, हाउ कूल, एंड इट्स वीकेंड तो इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड भी है, पब्लिक है, एंड दैट्स सो क्यूट, किड्स आर प्लेइंग एंड द स्मॉल किड्स आर डांसिंग, सो नाइस। फ्रेशन अप होके रेडी, पूरे दिन के एडवेंचर के बाद अभी रात को होता है डिनर। एक बात तो है यानी जब ये कोई भी ब्रांड कोलैब्स होता है और जब वर्क ट्रिप होती है यानी बैक टू बैक 48 आवर्स हो चुके हैं, मैं हार्डली 6 घंटा सोई हूँ, और आज का जो एडवेंचर था पूरा समुंदर के अंदर हेलीकॉप्टर एंड ऑल स्टफ, आई मीन जब विंडी इतना होता है, पानी के अंदर रहते हो घंटों तक, इक्वलाइज करने में इतनी इश्यूज होती हैं, कान में पानी भी, मेरे दोनों कान बंद है पता है आपको, बैक टू बैक, फिर उसके बाद आओ, फिर उसके बाद काम करो, एडिट करो, डेटा ट्रांसफ़र करो, उसके बाद खाना खाने जाओ, फिर वापस सबके साथ बैठो, नेक्स्ट डे के प्लानिंग्स चीज़ है, तो
तो चलता ही रहता है. ओके सो नाउ इट्स अ प्लान टू गो टू इटालियन रेस्टोरेंट. सो आई थिंक आई एम गोना ईट पिज्जा पास्ता और फिर आके थोड़ा नाइट मार्केट जाने का प्लान है. वो सब करके दिन सो जाऊंगे. सो या लेट मी गो लीव. वाइब इज गुड ऑफ दिस प्लेस एंड पीपल आर हियर मे बी ऑर्डरिंग समथिंग. आई एम द वन ओनली हु इज लेट मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या मैं पहली हूँ. Everyone is here. I'm the only one who's late. So here is a night market in the town. So we are from shopping करने के लिए आए हैं खाना खा के. I got this hat. ये मैंने खरीद लिया कल पहनने के लिए. तो कल के एपिसोड भी देखोगे. Definitely not. This place looks nice, quiet. मैंने इवनिंग में दिखा था लोग यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे. तो अभी कितना खाली हो गया तो पीसफुल लग रहा है. हम लोग चलते चलते यहाँ पे आ गए. सब आइसक्रीम्स खरीदते हैं तो सोचा चलो खाते खाते जाते हैं. होटल के रूम से डार्क क्यों होता है ना. देखो वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ लाइट नहीं. मुझे ये लाइट के नीचे आगे बैठना पड़ रहा. हाँ तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मिल चुका है बिस्तर आफ्टर लॉन्ग डे. मज़ा आया पूरे वाटर एक्टिविटीज़ में. इतनी टैन हो चुकी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा. ऐसे निशान पड़ चुके हैं तो ये सब तो पता नहीं कब जाएगा. 2-3 महीने आराम से लगने वाला है ये सब क्लियर होने में. ऐसा ही होता है जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ और प्रॉपर वाटर एक्टिविटी करती हूँ तो ये हाल हो जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान करो तो क्वींसलैंड के क्रेन जो टाउन जहाँ पर हूँ मैं अभी वो ज़रूर विजिट करना. कोस्टल बहुत प्यारा टाउन है, बहुत सुंदर वाइब है यहाँ पर. यानी हॉलीडे अगर स्पेंड करना है 3-4 दिन बेस्ट है. कल नई जगह नया एडवेंचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मुझे भी कहा बिकॉज आई एम वर्किंग विद गोप्रो इंडिया एंड क्वींसलैंड टूरिज्म. तो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके शूट्स होते हैं एवरी डे एंड आई एम ब्लॉगिंग फॉर यू ऑल ऑल्सो डेली ब्लॉग्स. तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए. मैं अभी करूँगी एडिट. सो आप लोगों के लिए हैव अ ग्रेट डे. मेरे लिए गुड नाइट आफ्टर सम टाइम. बाय बाय.